ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 28/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि स्वयं भगवान टीचर बन करके हमें पढ़ा रहे हैं। आज का प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिवान होते हुए भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए ही आना पड़ता है। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ा करके लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैंने इस शरीर का आधार दिया हुआ है। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हो तो कहा जाता है तुम जैसे कि पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है, पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थर नाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। पारसनाथ राम है और पत्थरनाथ रावण है। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पारस नाथ बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे, है सारा पुरुषार्थ पर। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहा जाता है। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, निराकार बाप की ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना, वह तो निराकार परमपिता परमात्मा है, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक ही निराकार है, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा न भी पूछे, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसी का पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाती हो? आत्मा को या शरीर को? अभी तो शरीर तो जल करके खत्म हो गया, आत्मा को ही बुलाते हैं। समझ की बात है, जरूर आत्मा को ही बुलाएंगे ना, शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा ही खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी ही आत्मा आई है? आती तो जरूर है, आत्मा आकर के बोलती है, उनसे पूछते हैं कि फलानी चीज़ आपने कहाँ रखी है, तो वो बताती है इस जगह पे रखी हुई है। तो जरूर समझते हैं हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते हैं। जैसे कि पति के नाम रूप को देख करके माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया, तो वह शरीर याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास तो रखना पड़ता ही है। तो बच्चों को समझाया जाता है परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देवे? तो यह जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय चाहिए? कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा टीचर है और हमें परमात्मा ही पढ़ाते हैं, वह इन द्वारा हमें वर्षा देने के लिए आए हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, उनको तो आकर के पढ़ाना ही है। शिव बाबा को यहाँ इस सृष्टि पर आना है और हम बच्चों को पढ़ाना ही है। वो है ही ज्ञान का सागर। यह सब समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य उच्च प्रारब्ध नहीं है तो वह यह ज्ञान भी समझ नहीं सकते। इनकी आत्मा कहती है मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहती है। वह परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ।
परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊंगा? ऐसे तो कभी नहीं पढ़ाई होती है ना। प्रोफेसर घर में बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा कैसे सकेंगे? स्कूल में कॉलेजों में तो उनको आना ही पड़ता है। ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े। परमपिता परमात्मा भी घर में रह करके तो नहीं पढ़ाएंगे ना, परमधाम में रहकर। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने ही निकलवाए हैं, फिर खुद ही आकर समझाते हैं मैंने ही निकलवाए हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर के बनवाए हैं। करण करावन हार बाप है ना। पहले बाबा समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है इनकी आत्मा का मंदिर, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आती, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, यह बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं। अगर कोई कहे शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, भगवान वाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े। यह बाप ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े पढ़ाने के लिए। सबको प्रेरणा कैसे दूँ? फिर तो सबको एक जैसा ही पढ़ाना पड़े। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी या दास दासी बनेंगे? बाबा कहते पूछो मुझे, मैं आपके पुरुषार्थ के आधार से बता दूंगा कि आपका पद अभी क्या होगा। अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर के पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार ही बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने माह से पास होंगे, मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। खुद भी समझेंगे बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ। हर एक की दिल तो बोलती है ना, अपनी स्टडी के हिसाब से अपना रिजल्ट आउट होता ही है। बेहद का बाप भी बतला सकते हैं कोई को, तो बाबा कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा फूल हो। देखो हमें भी देख करके बाबा कहें कि बेटा आप भी बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश, देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ के वश हो गए, कोई मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है, यह सब माया ही कराती है। कहते हैं ना कक का चोर सो लख का चोर। कोई कोई में बहुत बुरी आदतें होती है, कोई में काम की आदत होती है तो यह भागा, वह यहाँ ठहर न सके। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं, माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा इमार्टल है और शरीर मार्टल है। तुम देही अभिमानी बनो, कोई तो दो तीन मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है, 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पड़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ हमें योग लगाना है, बुद्धि योग। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य को, मनुष्य तो कोई नहीं बनाएगा ना। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते हैं तुम गॉडफादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है, सब लिखो कि हाँ हमारा ये वही एक गॉडफादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा।
बाबा ही सिखलाएंगे, जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाबा को नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाबा तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि इतना स्वयं भगवान भाग्य विधाता आए हैं, वर्षा दे रहे हैं, बच्चे लेते नहीं। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशयंती। पहले पहले बाप को तो जानो, निराकार बाप परमपिता परमात्मा है ना, वह आकर पढ़ाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। टीचर घर में बैठ पढ़ाए, यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है, निराकार तो कुछ कर न सके इसलिए शरीर लेना पड़ता है, नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वह मैं कैसे सिखलाऊं, जरूर मुझे तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते, एक दो को लेकर के आते रहते हैं, जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैम्पलिंग लगेगा, जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी हैं। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिसने यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हो, वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा झट बता देंगे। कोई कोई नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। ऐसे भी बहुत बाबा के लास्ट ऑफ फास्ट बच्चे हैं और फास्ट ऑफ फर्स्ट में आने वाले, तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसे बातें सुनाई अच्छी जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हैं, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, बाबा से कभी मिले नहीं हैं तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं तो समझा जाता है यह शिकलदा बच्चा है, सैम्पलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है, बस अब तो मिलने के लिए बाबा अट्रैक्शन रहती है, कब मैं मधुबन में आऊँ। सिर्फ यह बंधन है, जो भी कोई बंधन हो तो बच्चे पत्र में लिख करके बाबा को देते हैं, कारण भी लिख देते हैं, जो देवी देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वो ब्रह्मापुरी में आएंगे, ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, कोई ब्रह्म कुमारी क्या क्या लिख देते हैं, ये तो रॉन्ग है। ब्रह्म तो तत्व है ना, उसकी कुमारी कैसे होगी, ब्रह्म की कुमारी कैसे होगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियाँ हैं, शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी आत्मा से नहीं ब्रह्मा की, तो याद शिव बाबा को हमें करना है, इससे ही हम पति से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से ही होता है, यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ, सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़े ही लिबरेट करेंगे, स्कूल में भी वृद्धि होती है ना, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले, आखिर भूलते भूलते फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, भगवान को भूलेंगे तो भूलते भूलते बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, फिर ज्ञान का कुछ भी अंश नहीं रहता उनमें, बस सौदा कैंसर, बाप को जो दिया वो वापस ले लेते हैं, बुद्धि का ताला एकदम ही बंद हो जाता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छे समझाते, सुनने वालों के नयन चयन से मालूम पड़ जाता है कि इनको कहाँ तक धारणा हुई है, उच्च पद पा सकेंगे या नहीं, बाबा झट समझ जाते हैं यह समझने वाला है या नहीं, या बुद्धियों कहाँ भटकता रहता है, नब्ज देखी जाती है,
नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं, नंबरवार तो है ही। बल यह ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे ना। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तहान अभी नहीं होना है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा क्रम नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। सेकंड पॉइंट है, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी है और औरों को पढ़ानी है। वरदान, करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे। कौन सा? पाना था सो पा लिया। काम क्या बाकी रहा? सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो यह बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। तो ऐसे करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।